इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 5 खिलाड़ियों ने डेब्यू किया था। इन खिलाड़ियों में ध्रुव जुरेल और देवदत्त पड्डीकल का नाम भी शामिल था। रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों खिलाड़ियों को चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने मौका दिया था। जुरेल ने राजकोट टेस्ट में डेब्यू किया था तो वहीं देवदत्त पड्डीकल को धर्मशाला टेस्ट में डेब्यू का मौका मिला था। दोनों खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने दिया रोहित शर्मा पर बड़ा बयान। हाल ही में रोहित को मुंबई इंडियंस की कप्तानी से हटाकर हार्दिक पांड्या को नया कप्तान बना दिया गया था। युवराज के मुताबिक रोहित ने मुंबई को 5 बार आईपीएल चैंपियन बनाया है, उन्हें कप्तानी से अभी नहीं हटाया जाना चाहिए था। युवराज का मानना है कि एमआई को एक सीजन और रोहित को कप्तानी के लिए देना चाहिए था। आईपीएल सीजन 17 से पहले केकेआर पर गिरी गाज। सीजन के शुरुआती मैच में नहीं खेलेंगे श्रेयस अय्यर। रणजी ट्रॉफी के फाइनल में विदर्भ के खिलाफ श्रेयस अय्यर की पीठ की चोट फिर से उभर आई। अय्यर ने विदर्भ के खिलाफ दूसरी पारी में 95 रन बनाए थे। इस पारी की वजह से अय्यर की बैक इंजरी फिर से दिक्कत कर रही है। पिछले साल अय्यर ने बैक इंजरी की सर्जरी कराई थी। पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने विराट कोहली पर बड़ी बात कही है। कैफ ने बताया कि विराट अगर रन बनाएंगे तो आरसीबी प्लेऑफ तक पहुंच सकती है। कैफ ने आगे बताया कि पिछले 2 साल से विराट काफी अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, उनकी शानदार फॉर्म चल रही है। कैफ के मुताबिक अगर विराट इसी फॉर्म के साथ आईपीएल खेलेंगे तो टीम को प्लेऑफ तक ले जा सकते हैं। भारतीय टीम के पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह ने विराट कोहली को लेकर एक बड़ा दावा किया है। भज्जी ने भरोसा जताते हुए कहा है कि अपने रिटायरमेंट से पहले विराट एक और वर्ल्ड कप ट्रॉफी हासिल करना चाहेंगे। साल 2011 में धोनी की कप्तानी में विराट और हरभजन वनडे वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा थे। टीम ने साल 2011 में वनडे वर्ल्ड कप जीता था। पूर्व दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने इंग्लैंड के खिलाड़ियों की जमकर क्लास लगाई है। गावस्कर के मुताबिक इंग्लैंड के काफी खिलाड़ियों को आईपीएल में नहीं चुना जाता है क्योंकि ईसीबी अपने खिलाड़ियों को कभी भी वापस बुला लेता है। इसकी वजह से आईपीएल फ्रेंचाइजी को मुश्किलें पैदा हो जाती हैं। इसलिए दूसरे फॉर्मेट में इंग्लैंड को हराने की खुशी हमेशा ज्यादा होती है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर एबी डिविलियर्स ने एमएस धोनी को लेकर बड़ा बयान दिया है। डिविलियर्स ने धोनी की तुलना डीजल इंजन से की है जो कभी काम करना बंद नहीं करता। घुटने की सर्जरी के बाद धोनी मैदान पर धमाका करने के लिए तैयार है। डिविलियर्स ने आगे बताया कि धोनी की कप्तानी और कोच फ्लेमिंग की देखरेख में सीएसके का प्रदर्शन आईपीएल में दमदार होता है। मुंबई ने 42वीं बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। विदर्भ को 169 रनों से शिकस्त दी। 8 साल बाद चैंपियन बने मुंबई के खिलाड़ी। मुशीर खान बने फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच। 8 साल के इंतजार के बाद चैंपियन बनी मुंबई। वानखेड़े स्टेडियम में 538 रन का पीछा करने उतरी विदर्भ की टीम दूसरी पारी में 368 रन ही बना पाई। मुंबई की पहली पारी में 136 रन बनाने वाले मुशीर खान ने 2 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द फाइनल चुना गया। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में पहली बार मुंबई की टीम चैंपियन बनी है। टीम इंडिया के लिए खेल चुके तेज गेंदबाज धवल कुलकर्णी का करियर खत्म हो गया है। रणजी ट्रॉफी का फाइनल उनके करियर का आखिरी मैच था। इस मुकाबले में मुंबई ने विदर्भ को 169 रनों से हराकर रणजी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया। धवल कुलकर्णी को टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने शानदार करियर के लिए बधाई दी। रोहित ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, मुंबई का असली योद्धा, आपने अपने करियर में शानदार प्रदर्शन किया है। श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर लाहिरु थिरिमाने को भयानक कार एक्सीडेंट का सामना करना पड़ा है। थिरिमाने को चोटें आई हैं। ये घटना अनुराधापुरा के थिरपन्ने इलाके में हुई जब थिरिमाने कार से यात्रा कर रहे थे। उनकी कार एक मिनी ट्रक से टकरा गई। हादसे के बाद थिरिमाने को अस्पताल में भर्ती कराया गया। थिरिमाने इस वक्त लीजेंड्स क्रिकेट ट्रॉफी में न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स के लिए खेल रहे हैं।